प्रशांत प्रशांत, छोड़ो छोड़ो। तू तो मर्द हो या नहीं? आय हाय, यही सच है शीला। मतलब? मतलब मैं मर्द नहीं हूँ, मुझ में मर्दानगी नहीं है, ना ही मैं मर्द हूँ और ना ही मैं औरत हूँ। त्रिशंकु जिंदगी है मेरी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दूरी बनाकर रहने की कोशिश करता हूँ। घर वालों के पसंद की लड़की के साथ शादी करूँगा, ऐसा मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ। अच्छा, तुम सच कह रहे हो? सच्चाई कभी छुपती नहीं है शीला, ये एक नामर्द है, ना ही मर्दों की बिरादरी का है और ना ही औरतों की बिरादरी का, बीच वाली बिरादरी का है। मैंने तुम्हें 500,000 बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम समझती नहीं थी, इस झिंगुर के पीछे पड़ी रही। दुल्हा बनने के लिए जो चीज जरूरी होती है वो इसके पास है ही नहीं। सर सॉरी सर, मैंने आपकी बात नहीं मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। योर ऑनर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बस एक साल के अंदर ही मैं इसे माँ बनाऊंगा, ठीक है ना? यस योर ऑनर, ये सच में माँ बनेगी। तू तो अब बिल्कुल चुप बैठ, तुझे क्या पता मर्दानगी होती क्या है? इतने सालों तक मुझे बेवकूफ बनाता रहा। आई एम सॉरी शीला। सर नहीं नहीं, ओ जी हम ना कल ही रजिस्टर मैरिज, नहीं नहीं आज ही रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, वरना मेरा माइंड डाइवर्ट होते देर नहीं लगती। कम ऑन डियर प्रशांति, बाय। My name is Sheila, Sheila ki ta 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 da 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 da. Take the key. आज के बाद तू ही इस ऑफिस का मालिक है, यहाँ का सब कुछ तू है, बाहर का मौसम सुहाना और मैं शीला का दीवाना। ta 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 ta. Good luck sir. Thank you dear. अच्छा सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? तुम पर दिल आ गया इसलिए। सच कह रही हो? थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। अच्छा वैसे तुम्हें और क्या पसंद है? मुझे ना होंडा एक्टिवा मतलब बहुत 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 पसंद है, पर जब मैं ड्राइव करती हूँ ना तो डगमगाने लगती हूँ, जब तुम बैठते हो तो कंफर्टेबली चला लेती हूँ। ओके। इसीलिए क्या? एक्टिव होंडा के लिए मैंने तुमसे प्यार किया है। क्या? ऐसा क्या सर? ठीक है सर, चलेगा सर, अभी आता हूँ सर, अभी आता हूँ। हाँ बिल्कुल ओके। प्रिया शिवा बेटा, जी गुरुजी। हमारे न्यू आर्ट गैलरी के विश्वनाथ जी है ना? हाँ। उनकी 2 बजे की फ्लाइट से वो अमेरिका जा रहे हैं। हाँ। और वो हमें चेक देने वाले हैं। हाँ। तो मैं जा रहा हूँ और चेक लेके आता हूँ। सर कौन बेवकूफ आपको मना कर रहा है? सर जाइए सर। बेवकूफ बात वो नहीं है, थोड़ी देर में फेमस मॉडल माधुरी आ रही है, अगर 5 मिनट भी लेट हुआ ना तो वो चली जाएगी यहाँ से। माधुरी के साथ क्या? थू, अकल के दुश्मन, बात को समझ। जब वो यहाँ पर आएगी ना तो उसे पलंग पे सुलाकर उससे अच्छे से पेश आना, उसकी बात मानो, वरना वो चली जाएगी, पता है ना तुझे? नहीं सर, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। गुड, उसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। आज यहाँ का मैं ही राजा हूँ और मैं ही मंत्री। आप मॉडल माधुरी हैं क्या? हाँ, यस। सर थोड़ा बाहर गए हुए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक मैं आपका आउटलाइन खत्म कर लेता हूँ। आप करेंगे? हाँ। ठीक है, आप यहाँ पर सो जाइए ना। सोना पड़ेगा क्या? मुझे ना शर्म आती है। शर्म आने से कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा मैडम। बात वो नहीं तो क्या है? है मैं ना सोते वक्त दरवाजा बंद करके सोती हूँ। बस इतना ही, अभी करता हूँ। सुनिए मैडम, थोड़ा सा इस तरफ देखिए। हाँ अब ठीक है। स्माइल स्माइल स्माइल। अच्छा थोड़ा चेहरा ऊपर कीजिए। वैसे नहीं मैडम, थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा ऊपर रखिए और पोजीशन ऐसे ही रखना। हाँ थोड़ा इस तरफ देखिए, बराबर अब सही है। थोड़ा इधर देखो। ऐसे ही रखो। हाय सर, कहाँ है? आगे 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 आगे, बस गेट खोल रहा हूँ। आगे आ गया, बस आ गया, बस पहुँच गया, पहुँच गया। हाँ हाँ हाँ
हाय माधुरी। हाय। मुझे आकर आधा घंटा हो गया पर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। रुको, मैं अभी पता लगाता हूँ कौन है बे? बेवकूफ, दरवाजा खोलो खोलो। हमेशा इंटरेस्ट से काम करता हूँ तभी आकर मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। सर आ गए सर। बेवकूफ, यहाँ मॉडल आधे घंटे से बाहर इंतजार कर रही है और उसका पैर दर्द हो रहा है और तू अंदर क्या कर रहा था? सर ये भी मॉडल है क्या? तो फिर अंदर जो सुपर मॉडल है वो कौन है सर? अंदर कोई सुपर मॉडल है? कौन है भाई? चलो आइए सर, देखते हैं। आइए। ये रहे सर। तुम? मैं ही हूँ जी। शिवू? जी गुरुजी। बेटा ये कौन है बेटा? सर ये सुपर मॉडल माधुरी जी है सर। तू बेवकूफ, सुपर मॉडल माधुरी नहीं मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी है? इन्होंने तो अपना नाम माधुरी बताया सर। हाँ जी, मुझे भी मॉडल बनने की इच्छा है लेकिन ये मुझे बनने ही नहीं देते, इसलिए ये नहीं थे ना तो सोचा आज मैं ही मॉडल बन जाती हूँ बस। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। म्वा, म्वा, म्वा। थैंक यू शिवू। अरे छोड़ो, अरे माफ कर दो, अरे रे क्या कर रही हो, अरे क्यों मार रही हो, अरे रे एक मिनट रुको, एक मिनट। ये सब क्या है? आज तक मैंने एक लड़की से भी मार नहीं खाई और आज यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ मिलकर मुझे मार रही, मेरा गुनाह क्या? सारी कंपनी मुझसे प्यार करता हूँ बोलकर मेरे पैसे और जेवर सब हड़प कर धोखा दिया तूने। तो मेरे सपनों की रानी हो कहकर शादी के सपने दिखाकर मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए तुमने। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सब तुम्हारी मर्जी से ही तो किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। हे वेणुगोपाल कृष्ण स्वामी, जैसे तुम्हारा नाम टुकड़े टुकड़े में है वैसे ही तुमने इन लड़कियों की जिंदगी टुकड़े टुकड़े में कर दी, क्या ये न्याय है? अरे सर मैंने कब इनसे प्यार किया, मैंने इन्हें पटाया और इन्होंने भी मुझे चांस दे दिया। आहा, ये अकेले का काम है क्या? ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब दो हाथ मिलते हैं तभी ताली बजती है कि नहीं? हाँ, क्या जवाब है तुम्हारा, तुम तो कृष्ण के दूसरे रूप हो। बिल्कुल सही कहा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्यार के नाम पर सबको लूटना गलत नहीं है क्या? क्या गलत है भाई, मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं की, इन सारी लड़कियों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़कों को प्यार के नाम पर लूट लेती हैं। मैंने थोड़ा चेंज किया, इन लड़कियों को लूटा तो क्या गलत किया भाई बताओ? एक लड़की के प्यार में पड़कर न जाने कितने लड़के अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं चले जाते हैं। लड़की से धोखा मिलने पर प्यार करने वाला एक लड़का अपनी जान तक दे देता है। न जाने कितने लड़कों को ये लड़कियाँ लूटती हैं। तो क्या तुम्हें प्यार पर जरा भी विश्वास नहीं है? तुम्हें ये सब सिर्फ टाइम पास लगता है? हाँ मैडम, मेरे लिए ये सब टाइम पास ही है। मैंने भी एक लड़की से बहुत प्यार किया था, उसने मुझे छोड़ दिया, उसके बाद ही मैंने लड़कियों को धोखा देना शुरू कर दिया। मेरे लिए प्यार सिर्फ एक खेल है, लड़की एक चीज है, सिर्फ खेलने की चीज और कुछ भी नहीं। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, मैं जानता था ऐसा ही होगा। ए रानी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अरे ये कहाँ गायब हो गया? नैना तुम रो क्यों रही हो? एक्चुअली तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम ऐसे दरिंदगी से बच गई हो। चुप हो जाओ नैना। प्यार करने से पहले उस इंसान का चरित्र, उसकी आदतें जान लेनी चाहिए। हाँ। नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है।